अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके साथ एक और बहुत मज़ेदार लंच या डिनर के लिए रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये रेसिपी है अचारी मुर्ग पुलाव की। देसी रेसिपी है और बेहद मज़े की ये बनती है। जैसे कि नाम से वाज़े है, इसमें अचार के मसाले जाएंगे और उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत यूनिक और बहुत ज़बरदस्त आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अचार का मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, सौंफ ये भी मैं इसमें डालूंगी 1 चाय का चम्मच, कलौंजी इसमें जाएगी 1/2 चाय का चम्मच और 1/4 चाय का चम्मच मैं इसमें डालूंगी मेथी दाना और 1/4 चाय का चम्मच ही इसमें जाएगी अजवाइन और सबसे आखिर में मैं इसमें डालूंगी राई दाना 1 चाय का चम्मच। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 2 से 3 अदद सूखी हुई लाल मिर्चें, आप गोल वाली भी ले सकते हैं। और ये तमाम मसाला अब आपने किसी भी पैन में डाल के इसको आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे और चम्मच आप इसमें चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। जब इसमें से खुशबू आने लगे और इन मसालों का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो अब आपने इसको मोटा मोटा सा कूट लेना है, इसका पाउडर नहीं बनाना। मोटा मोटा सा आप इसको कूट लेंगे और कुछ इस तरह का ये दिखेगा जब आप इसको कूट लेंगे। ये मसाला आपका तैयार हो गया है। 2 से 3 कप चावलों के लिए मसाला काफ़ी होता है। अब यहाँ पर चिकन की यखनी बनाने के लिए मैंने पानी लिया है 1 लीटर और इसमें मैं 2 लहसुन के जवे, 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का और 1 अदद छोटी प्याज, ये सब चीज़ें मैंने मोटी मोटी सी काटी हुई हैं, ये मैंने इसमें डाल दी हैं। साथ ही मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूंगी, साबुत मसाले। सबसे पहले इसमें जाएगी 1/2 चाय का चम्मच सौंफ, 1 चाय का चम्मच मैं इसमें डालूंगी साबुत धनिया और यहाँ पर 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 से 3 लौंगें और दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ी सी काली मिर्चें, ये गरम मसाला इसमें आपने डाल देना है। ये डालकर अब मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन और चिकन मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 किलो। चिकन को डालकर अब आपने इसमें डाल देना है नमक और नमक आप इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका, जितना इसमें डालेंगे उसके हिसाब से आपने रखना है क्योंकि चावलों में भी नमक जाता है। और इसको आपने ढककर पका लेना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, जब तक इसकी यखनी तैयार हो जाए और चिकन भी इसमें गल जाए। मैंने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर तैयार किया था और चिकन को मैंने निकाल लिया है और यखनी को मैंने छान के साइड पे रख लिया है। अब चावलों का तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल इस्तेमाल किया है 1/2 कप चाय का और यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ स्लाइसिस में कटी हुई प्याज 1 अदद और ये मैंने दरमियाने साइज़ की ली थी। प्याज को डालकर अब आपने इसको गोल्डन फ्राई कर लेना है। ये देखिए प्याज जब सुनहरी हो जाए तो अब मैं इसमें यहाँ पर साबुत मसाले डाल रही हूँ। 1 तेज़पत्ता है, दालचीनी का टुकड़ा है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है और थोड़ी सी काली मिर्चें हैं। ये डालकर हल्का सा मैंने इसको भून लिया है और अब मैं स्लाइसेस में कटी हुई इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर, ये मैंने ली थी 1 अदद दरमियाने साइज़ की और 1 चाय का चम्मच इसमें चला जाएगा पिसा हुआ अदरक लहसुन। ये दोनों चीज़ें डालकर अब आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे भूनना है, चम्मच आप चलाते रहेंगे और इतनी देर तक आपने इसको भूनना है जब तक कि टमाटर इसमें नरम हो जाएं। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं और अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ पिसे हुए मसाले। सबसे पहले पिसा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और पिसा हुआ धनिया मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च ये आप हस्बे ज़ायका डालेंगे, मैंने बिल्कुल 1/4 चाय का चम्मच ही ली है, ज़्यादा मैं स्पाइसी नहीं बना रही और इसमें हल्दी जाएगी 1/4 चाय का चम्मच। अब यहाँ पर जो कुटा हुआ मसाला था, हमने जो अचार का तैयार करके रखा था, वो आप इसमें डाल दें। आप ये 1/2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाहते। मैंने ये सारे का सारा इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि मसाले जले नहीं और इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैंने भून लेना है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी नमक, नमक हमने यखनी में भी डाला था तो आप उस हिसाब से डालेंगे और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी दही और ये मैंने यहाँ पर लिया है 2 खाने के चम्मच और दही को डालकर और नमक को शामिल करके दोबारा से मैं इसको भूनूंगी जब तक कि दही का पानी ख़त्म हो जाए।
इस तरीके से। अब इस स्टेज पर जो चिकन हमने तैयार की थी, उबाली थी, ये आपने इसमें डाल देनी है। और ये डालकर थोड़ा सा मैं इसको भून रही हूँ इस मसाले के अंदर। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कटी हुई हरी मिर्चें। ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डाल लीजिए, नहीं तो आप स्किप कर लें। और ये डालकर मैं इसको 2 से 3 मिनट तक भून लूँगी। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ यखनी, जिसको मैंने छान के रखा हुआ था। मैं यहाँ पर 2 कप चावल ले रही हूँ, तो मैंने 3.5 कप यखनी के इसमें डाल दिए हैं। आप जितने कप चावल लेंगे उसके हिसाब से आप इसमें डालेंगे। और जब यखनी उबलना शुरू हो जाए तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बासमती चावल। ये मैंने 2 कप लिए थे और इनको 1 घंटा पहले धोकर मैंने भिगो दिया था। और अब इनका पानी मैंने अलग कर लिया है और ये चावल मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। चावल डालने के बाद 1 मरतबा चम्मच में चलाऊंगी हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर आपने इसको ढककर पकाना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, जब तक के चावल 80% तक पक जाएं और इसमें हल्की सी नमी बस चावलों की बाकी रहे। ये देखिए, मैंने 8 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाया था और आप देख सकते हैं इसमें अभी पानी बाकी है। इस स्टेज पर जाएगा इसमें लींबू का रस 1 खाने का चम्मच, और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी पुदीने के पत्ते। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी लींबू के स्लाइसेस। इस तरीके से मैंने गोल गोल इनको काटा हुआ है। और ये डालकर अब आपने इसको ढककर दम दे देना है 12 से 14 मिनट के लिए, बहुत हल्की आंच पे, जैसे चावलों को दम देते हैं, ताकि जो इसमें बाकी नमी रह गई है वो भी इसमें खुश्क हो जाए और चावल मुकम्मल तौर पर पक जाएं। ये देखिए, 12 मिनट के बाद इसका ढक्कन मैंने उठा लिया है और मैं ये खोल के आपको दिखा देती हूँ कि कितने ज़बरदस्त ये फ्लफ़ी से और अलग अलग इसका दाना है चावल का। अगर आपको ये अचारी मुर्ग पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें वीडियो अपडेट्स के लिए। और एक नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।